हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर न्यू एकेडमिक ईयर। स्टूडेंट कैसे हो आप? मुझे विश्वास है कि आप भी अपने घर में सुरक्षित हैं। तो चलो आज हम अपना पहला चित्र वाचन देख रहे हैं, मेला। देखो, समझो और बताओ। यहाँ पर है देखो समझो और बताओ। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है हमें और चित्र का नाम है मेला। मेला मेला यानी क्या? जहाँ पर कई सारी दुकानें एक साथ लगी हुई होती है, जहाँ पर हम आनंद लेते हैं, उसे हम मेला कहते हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो यह जो चीजें है, यह हमें कहाँ दिखाई देती है? ये गुब्बारा, गुड़िया, झूला, खिलौने, यह हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? एक साथ यह हमें किस स्थान पर देखने को मिलते हैं? यह सारी चीजें, इन सारी चीजों की दुकानें कहाँ पर लगती है? मेले में। तो चलो आज देखते हैं मेला। हमारा पहला चित्र वाचन है मेला। तो चलो इस मेले में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसकी जानकारी लेते हैं। यह जो मेला है, यह एक बड़े और खुले मैदान में लगा हुआ है। मेले के प्रवेश द्वार पर सहायता कक्ष बना हुआ है। पास ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां खड़ी है। दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियां दिखाई दे रही है। वहाँ तीन डिब्बों के साथ रेल का इंजन खड़ा है। मेले के मैदान के बीचों बीच साफ सुथरा बड़ा मार्ग है। मार्ग के एक और बड़ा हिंडोला है। इसमें 11 डिब्बे हैं। इस बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं? 11। प्रत्येक डिब्बे में दो लोग बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। एक अन्य चक्रडोल भी है, जिसमें लकड़ी से बने हाथी, घोड़ों आदि पर बैठकर लोग झूल रहे हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे इस पर बैठकर झूल रहे हैं। चक्रडोल के पास ही एक सुरक्षा चौकी हमें दिखाई दे रही है। चक्रडोल के पास हमें क्या दिखाई दे रही है? सुरक्षा चौकी। वहाँ सूचनाएं प्रसारित करने के लिए लाउड स्पीकर लगा है। यहाँ पर सुरक्षा चौकी के पास यह लाउड स्पीकर क्यों लगाया गया है? सूचनाएं प्रसारित करने के लिए। चौकी के बाहर खाकी गणवेश में एक चौकीदार बैठा है। कुछ ही दूरी पर जमीन पर बैठी एक स्त्री खिलौने बेच रही है। अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक स्त्री खिलौने बेच रही है। एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं।
मार्ग पर खड़ा हुआ एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगी गुब्बारे बेच रहा है। यहाँ पर मार्ग पर मार्ग के बीचों बीच यह गुब्बारे वाला खड़ा है और वह रंग बिरंगी गुब्बारे बेच रहा है। इस एक लड़की उससे गुब्बारा खरीद रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है और वह गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रही है। मार्ग के दूसरी ओर एक स्त्री ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रही है। अब देख सकते हो कि मार्ग पर यहाँ एक ठेला लगा हुआ है और एक स्त्री रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रही है। दो लड़कियाँ चूड़ियाँ देख रही है। यहाँ पर यह जो दो लड़कियाँ है वह चूड़ियाँ देख रही है। पास में ही देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर पास में ही यह कौन है? यह भेल वाला है। यह भेल वाला भेल बेच रहा है। भेल वाला भेल बेच रहा है। आगे निशाना लगाने वाली एक दुकान भी है। देखो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर निशाना लगाने वाली एक दुकान है। यहाँ एक और बंदूक से गुब्बारा फोड़ने का खेल भी है। यहाँ पर बंदूक से गुब्बारा फोड़ने का खेल भी है। यहाँ पर निशाना लगाया जा रहा है। यहाँ पर बंदूक से गुब्बारा फोड़ने का खेल है। दूसरी ओर छल्ला फेंककर निशाने लगाने की व्यवस्था है। यहाँ पर देखो यह जो छल्ला फेंककर यहाँ कुछ चीज़ें रखी जाती है और यह इसे गोल छल्ला है। वह छल्ला फेंककर यह निशाना लगाने की व्यवस्था है। पास ही एक प्याऊ है। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर प्याऊ की सुविधा है। प्याऊ यानी क्या? पीने के पानी की सुविधा जहाँ पर की जाती है उसे प्याऊ कहते हैं। सार्वजनिक स्थल पर पीने के पानी की सुविधा की जाती है उसे प्याऊ कहा जाता है। पानी ढके हुए टोटीदार बर्तनों में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो पीने का पानी है, हम देख सकते हैं यह जो पीने के पानी की व्यवस्था की गई है वह टोटीदार बर्तनों में है और वह ढके हुए है। एक गिलास भी टंगा हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि गिलास वहाँ पर टंगा हुआ है। वहाँ प्याऊ पर एक सूचना लिखी गई है। क्या सूचना लिखी गई है? एक सूचना पट्टी लिखाई गई है। इस प्याऊ पर एक सूचना पट्टी लगी हुई है। क्या सूचना पट्टी लगी हुई है? बूंद बूंद पानी बचाओ। एक सूचना लिखी गई है वह है बूंद बूंद पानी बचाओ। और देखो यहाँ पर एक खास बात है कि मेले पर जगह जगह कूड़ेदान रखे गए हैं। हम देख सकते हैं भेल वाले के पास भी एक कूड़ादान है और बीच मार्ग पर यहाँ भी कूड़ादान हम देख सकते हैं ताकि मेले में कचरा न हो, गंदगी न फैले। लोग इधर उधर कचरा न डाले। मेले में जगह जगह कूड़ेदान क्यों रखे गए हैं? क्योंकि इस्तेमाल की गई हुई चीज़ें, इस्तेमाल किए हुए कागज वह हम कूड़ेदान में डाल सकते हैं। अगर हमने वैसे ही इधर उधर फेंक दिए तो मेले में गंदगी फैल जाएगी। इसलिए सुरक्षा और स्वच्छता बरतने के लिए मेले में स्वच्छता की और ध्यान देते हुए यह कूड़ेदान की सुविधा भी की गई है। तो इस प्रकार यह मेले का वर्णन हमें करना है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने मेले की जानकारी ली। आपको इस चित्र का निरीक्षण करके इस चित्र का निरीक्षण 7 से 8 पंक्तियों में आपको लिखना है।